नमस्कार, हमारे फेसबुक के आप सबका स्वागत। और अभी हम खड़े हैं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के घर के बाहर। और आप देख सकते हैं कि जैसे कि अटकलें चल रही थी कि कल उनकी शादी है, तो उसके ऊपर मोहर लग चुकी है। कल उनकी शादी होनी है, 12 बजे से पहले अनंतकार होने हैं। और उससे पहले आप देख सकते हैं कि घर पे जो सरकारी निवास है वहाँ पे तैयारियां शुरू हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि केटरिंग का सामान आ चुका है, 2 साइलेंट जनरेटर यहाँ पे पहुँच चुके हैं और फर्नीचर डेकोरेशन हर एक सामान यहाँ पे के करके यहाँ पे पहुँचना शुरू हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कि सीधे तौर पे मुख्यमंत्री भगवंत मान की शादी की तैयारियां जोरों शोरों पे चल रही हैं। बिल्कुल जंगी पत्र पे काम हो रहा है कि तुरंत, क्योंकि देखिए आज ही अगर हम सीधे तौर पे कह सकते हैं कि शादी की अनाउंसमेंट सामने आई थी और उसके बाद लगातार ही जोरों शोरों पे काम हो रहा है। आप देख सकते हैं सामान पहुंचा है, कुछ देर पहले डेकोरेशन का सामान अंदर पहुंच चुका था, उसके बाद अभी आप देख सकते हैं गाड़ियां बाहर खड़ी हैं। क्योंकि ऑफकोर्स शादी जरूर है पर अभी भी सिक्योरिटी कहीं पर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं की जा सकती, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री भगवंत मान का घर है, सरकारी उनका निवास है, तो यहाँ पे सिक्योरिटी हर एक चीज का ध्यान रखी जा रही है। तो पहले इन गाड़ियों की चेकिंग होगी, इन सभी की आईडी चेक की जाएंगे और उसके बाद ही उन्हें अंदर जाने दिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं डेकोरेशन का सामान अंदर जा चुका है, पर अभी जैसे ये तौर पे हम कह सकते हैं कि जनरेटर्स और जो केटरिंग का सामान है वो अभी बाहर ही रखा गया है, उनको अभी अंदर नहीं जाने दिया गया। 2 साइलेंट जनरेटर्स आए हैं, केटरिंग का सामान एक पूरे ट्रक में आया है, 4 सीजन आउटडोर केटरिंग है जिनका सामान आया है। तो ऑफकोर्स वो शादी है पूरा, अगर हम कहें केटरिंग देख रहे हैं भगवंत मान की शादी का, तो आप देख सकते हैं कि जोरों शोरों पर काम शुरू हो चुका है लगातार। अब हम कह सकते हैं कि कल होने वाली शादी की तैयारियां अगर हम कहें मुख्यमंत्री निवास पर हो रही हैं। पंजाब के पहले मुख्यमंत्री होंगे, जी हाँ, पंजाब के पहले मुख्यमंत्री होंगे भगवंत मान, जो अपने टर्म के दौरान मुख्यमंत्री होने के दौरान शादी कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि पंजाब के पहले मुख्यमंत्री होंगे वो जो शादी अपने टर्म के दौरान शादी कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं शादियां की तैयारियां जोरों शोरों पे चल रही हैं, सिक्योरिटी बीफ अप कर दी गई है और आसपास भी अगर हम कहें कि काम होना शुरू हो चुका है, जैसे डेकोरेशन का सामान पहुंच चुका है, तो वहीं आप देख सकते हैं कि दूसरा केटरिंग और बाकी सामान भी एक एक करके आ रहा है। तो अब देखना होगा कि इसकी गेस्ट लिस्ट में कौन होगा। जी हाँ, सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब गेस्ट लिस्ट में कौन कौन होगा, क्योंकि पंजाब के सबसे बड़े व्यक्ति है, सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति खुद मुख्यमंत्री भगवंत मान की शादी है, तो केटरिंग से लेकर हर एक पहलू का ध्यान रखा गया है। पर लोग कौन होंगे, तो देख सकते हैं ऑफकोर्स हर एक चीज का ध्यान रखा जाएगा। जो मेन गेस्ट होंगे ऑफकोर्स सभी स्टेट डिग्नेटरीज हो सकते हैं। अब हम ये देखना होगा स्टेट डिग्नेटरीज में कौन, अपोजिशन भी होंगे, अपोजिशन के नेता भी होंगे, या फिर सिर्फ और सिर्फ इन्हें एक बिल्कुल क्लोज फैमिली फंक्शन रखा जाएगा, क्या पंजाब की कैबिनेट इसमें बुलाई जाएगी। ये सभी पहलू हैं, सभी चीजों के ऊपर कहीं ना कहीं सवाल खड़े हुए हैं। पर जैसे अभी तक हमें जानकारी मिल पा रही है कि गेस्ट लिस्ट डिस्क्लोज नहीं हुई है, पर ये चीज जरूर क्लियर हो पाई है कि पूरा प्रोग्राम है, जैसे पता चल पा रहा है कि खुद राघव चड्ढा देख रहे हैं। जी हाँ, सही तौर पर हम कह सकते हैं कि ये जो पूरे शादी के कार्यक्रम है उस सबको देख रहे हैं, या फिर हम कहें पूरे शादी के प्रोग्राम को राघव चड्ढा खुद हैंडल कर रहे हैं। कल खुद, इसके अलावा हम कह सकते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल भी यहां पर पहुंचेंगे। जी हाँ, ये चीज भी क्लियर होती नजर आ रही है कि खुद अरविंद केजरीवाल भी यहां पर आएंगे और भगवंत मान, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की शादी में शिरकत करेंगे। तो अब इनके अलावा देखना होगा कि और कौन कौन यहाँ पर आ सकता है। आप देख सकते हैं कि दूसरी चीजें हैं, अलग अलग चीजें आई हैं इसमें। तो जैसा आप देख सकते हैं एक टावर एसी नजर आ रहा है। अगर हम नॉर्मली बात करते हैं तो शादी में अलग अलग प्रोग्राम्स हैं, ऑफ कोर्स हाई फाई शादी है, खुद पंजाब के मुख्यमंत्री की शादी है, तो हर एक चीज काफी ज्यादा हाई फाई होगी। पर जैसे मैं बोल रहा कि काफी क्लोज प्रोग्राम रहने वाला है, तो गेस्ट लिस्ट को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ है कि आखिर इस गेस्ट लिस्ट में कौन शामिल होगा, क्या ऑपोजिशन के लीडर्स होंगे या फिर पार्टी के क्लोज मेंबर्स होंगे। ये एक बड़ा सवाल कहीं ना कहीं खड़ा हुआ है। अब तक किसी के भी अगर हम कहें कि गेस्ट लिस्ट सामने आती हुई नजर नहीं आ रही है, पर हम कहें कि पंजाब के कैबिनेट हरजोत बैंस की तरफ से ट्वीट करके बधाइयां जरूर दे दी गई है। तो हम देख सकते हैं कि धीरे धीरे डिस्क्लोज होगा कल गेस्ट लिस्ट में कौन कौन शामिल होगा। पर एक नाम जो कन्फर्म हो चुका है वो खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जरूर यहाँ पे पहुंचेंगे और शादियां चलेंगे। तो आप देख सकते हैं सामान अब अंदर जा रहा है, उसकी चेकिंग की जा रही है ऑफकोर्स, क्योंकि सरकारी निवास है, मुख्यमंत्री निवास है, तो यहाँ पर बिना चेकिंग के एंट्री नहीं होती है। तो हर एक चीज, हर एक व्यक्ति की पहले चेकिंग होगी, ऑफकोर्स उनकी आईडी सब कुछ चेक किया जाएगा और उसके बाद ही उनकी एंट्री कराई जाएगी। साइड पे यार।
तो आप देख सकते हैं चेकिंग की जा रही है, अंदर बाहर दोनों तरफ की चेकिंग हो रही है। गाड़ी की जो व्यक्ति है उसकी चेकिंग, और आप देख सकते हैं कि आईडी कार्ड खुशी हो रही है। तो आप देख सकते हैं हर एक पहलू, हर एक गाड़ी को चेक किया जा रहा है। अंदर एंट्री होनी है, ऑफकोर्स हम देख सकते हैं कई चीजें चेक होनी है, पर प्रोग्राम की तैयारी जोरों शोरों पे शुरू हो चुकी है। आप देख सकते हैं डेकोरेशन का सामान जा चुका है, केटरिंग का सामान पहुंच चुका है, जनरेटर्स पहुंच चुके हैं, बस अब एक ही चीज पेंडिंग है, वो है कि गेस्ट लिस्ट में कौन कौन है।